खबर में बात करते हैं राजिम की। राजिम कुंभकल्प मेले का आगाज हो चुका है, जहां पर संत समागम का आयोजन किया जाएगा, विभिन्न कार्यक्रमों का आगाज किया जाएगा। तो आपको बता दें, बीजेपी सरकार ने राजिम कुंभ का आगाज किया है। आज पहला दिन है और पहले दिन का नजारा लेने के लिए सीधा चलते हैं राजिम कुंभ, जहां से हमारी सहयोगी सोमा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। सोमा, बात की जाए तो राजिम कुंभकल्प का आगाज आज से हो गया है, क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है इस राजिम कुंभ का? काफी बृहद रूप में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे नदिया मेला जो लगता था, उसका जो जगह होता था वो काफी सीमित होता था, पर इस बार नदिया मेला को विशाल रूप दे दिया गया है और दर्शकों के लिए, आने जाने के लिए, सभी के लिए पत्थरों का देश यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा फर्क जो नजर आ रहा है, गंगा आरती के लिए आ रहा है। पहले जो पुन्नी मेला में जो आरती होती थी वो मुश्किल से 10-15 मिनट की स्थानीय ब्राह्मणों के द्वारा की जाती थी, पर अभी जानकारी मिली है कि जो साध्वी प्रज्ञा दीदी है उनके द्वारा कल से यहाँ पे गंगा आरती की जाएगी। आज यहाँ के स्थानीय ब्राह्मण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बड़े संत साधु, मंत्री, नेताओं के द्वारा, संस्कृति मंत्री के द्वारा आज के गंगा आरती का शुभारंभ किया जाएगा। यह गंगा आरती कुल 40 मिनट की होगी और कल से इसमें साध्वी प्रज्ञा जी आएंगे।